हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी बन्ना। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चैलेंजिंग वीडियो जो कि हमारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है। ये 200 ml कोकोनट हेयर ऑयल का चैलेंजिंग वीडियो है। तो ये वीडियो बिना फास्ट फॉरवर्ड किए ही दिखाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर करते ना हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले अपने बालों में कॉम कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं अपने बालों को दो पार्टीशन करूँगी, बीच में से मिडिल पार्ट से, फिर इसको अच्छे से कॉम करूँगी ताकि मेरे बाल टेंगल फ्री हो जाए और इसमें कोई भी उलझन ना हो। दोस्तों, ये वीडियो मोस्टली रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर ने मतलब रिक्वेस्ट की थी कि 200 ml चैलेंजिंग ऑयलिंग का वीडियो दिखाइए। तो सो मैंने इसे उनके रिक्वेस्ट को पूरा किया है। तो मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूँगी। पहले नंबर पे है मैडी जोशी, इनकी रिक्वेस्ट थी कि दीदी 200 हैवी कोकोनट हेयर आयलिंग वीडियो बनाइए। और दूसरे नंबर पे नम्रता आर। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो बॉटल्स और दोनों 100 ml के हैं। देखिए ये अभी पैकिंग है, इसे मैंने खोला नहीं है। तो फिर अभी से खोल के और अपने बालों में अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, ये वीडियो मतलब फॉरवर्ड नहीं करना है। तो सो मैं ज़्यादा अपने बालों में मसाज नहीं करूँगी, इसे मतलब डायरेक्टली अप्लाई करके दिखाऊँगी अच्छी तरह से। एंड नेक्स्ट व्यूअर हैं बैकडोर पल्सर, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पहले अपने बालों में ऑयलिंग कीजिए, फिर ऑयलिंग करने के बाद इसको एक ब्रेडेड मतलब लटको मतलब चोटी बनानी है। चोटी बनाने के बाद मतलब बिना कॉम किए चोटी बनानी है, फिर उसके बाद से ऑयल को अप्लाई करना है, फिर अप्लाई करने के बाद फिर से कॉम करना है, फिर उसको ऑयल को अप्लाई करना है। तो इनकी भी रिक्वेस्ट थी, इनकी भी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है। और नेक्स्ट हैं साकेत कुमार जी, इन्होंने और रिक्वेस्ट की थी कि मेक सेम टाइट बर्न विदाउट पार्टिंग योर हेयर। तो मैंने बन भी बनाया है इस वीडियो में, तो इनकी भी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है। और एक और नाम है एच फूडेक्स नाम के हैं, मतलब 5 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने सबकी रिक्वेस्ट में इस वीडियो में मैंने पूरी की है। सो फ्रेंड्स, अगर और भी मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, मतलब और भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कोई चीज़ देखने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बालों में पूरी तरह से अप्लाई कर ली हूँ और ये मेरे बालों के हिसाब से ये तेल काफ़ी ज़्यादा है, 200 ml। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं 100 ml अप्लाई कर चुकी हूँ अपने बालों में और ये बॉटल खाली हो चुका है। और ये सामने मेरी सिस्टर बैठी थी तो मुझे हंसी आ रही थी उसे देखकर। हंड्रेड एम एल ऑयल भी मेरे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। देखिए सारा तेल मेरे सर से बाहर निकल के आ रहा है। अब मैं इसे एक चोटी बना लूँगी बिना कॉम किए।
इसी तरह मैं अपने दूसरी तरफ भी चोटी बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा बॉटल यूज करने जा रही हूँ। इसे लेकर मैं अपनी चोटी पे ऐसे तेल को गिरा के लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, तेल इतना ज़्यादा हो गया मेरे सर में कि रबड़ निकल जा रहा है मेरे बालों से। मेरे बालों से सारे तेल मतलब बाहर आ रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि और तेल कहाँ अप्लाई करूँ। सारा तेल बाहर निकल रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी देख देख कर। तो फ्रेंड्स, और भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी रिक्वेस्ट होगा मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगी पूरा करने के लिए। और मुझे बताइएगा कि मैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं अभी नई नई हूँ, मैं भी यूट्यूब पे अभी सीख रही हूँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में। सो मुझे एडवाइस भी देते रहिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं अपने बालों में कॉम करूँगी। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से बनाना चाह रही थी बट मुझे और टाइम नहीं मिल रहा था, सो मैं अब जाके बना पाई हूँ। अब बाकी जो भी तेल बचा हुआ है उसे मैं पूरा अप्लाई कर लूँगी अपने सर में।
तो मैंने अच्छी तरह से अपने बालों में पूरे तेल को अप्लाई कर लिया है। ये देखिए, ये दूसरा बॉटल भी खाली हो चुका है मेरा। ये देखिए, दोनों बॉटल खाली हो चुका है। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए पीछे कितना तेल निकल रहा है मेरे बालों से। मैं फिर से अपने बालों में कॉम करूंगी अच्छी तरह से। फिर इसे एक पीछे की तरफ एक लो बन बनाऊंगी टाइट। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा तेल लग चुका है कि बन भी नहीं बन पा रहा है। ये देखिए, अभी कितना तेल निकलेगा। ये देखिए सो मैंने सभी की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।